हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज के पैटर्न के लिए हमने 3 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 3 के मल्टीपल में। और ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है, तो हमारी फर्स्ट रो जो है पैटर्न की राइट साइड से स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टिच को तो हमने एथ स्टिच को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे जैसे करते हैं, जो पैटर्न का स्टिच है हमारा फर्स्ट उसे भी स्लिप कर लेंगे, इसे हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है। फिर अगले दो फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, धागा पीछे ही रहेगा हमारा, देखिए 1 2, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर दो सीधे बुनेंगे 1 2, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर दो सीधे बुनेंगे 1 2, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर दो सीधे। तो हमने ये पूरी रो इसी तरह से बुननी है, एक स्लिप 2 निट ये। फिर लास्ट में जो दो बचेंगे एक को हम स्लिप कर लेंगे, लास्ट फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब हम टर्न कर लेंगे, तो देखिए जो हमारी रॉन्ग साइड है रो 2, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पहले स्लिप किया था अभी फिर से उसे स्लिप कर लेंगे, और जिन्हें हमने पहले बुना था सीधा उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो में हम दो उल्टे बुनेंगे, एक स्लिप कर लेंगे, फिर दो उल्टे बुनेंगे। फ्रेंड्स, हमने ध्यान रखना है जिसे हमने पहले स्लिप किया था उसे ही स्लिप करेंगे, दो उल्टे बुनेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर दो उल्टे बुनेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर दो उल्टे बुनेंगे, फिर एक स्लिप, और लास्ट वाला जो एक बचेगा उसे भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब जो रो 3 है देखिएगा, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच को तो स्लिप कर लेंगे। अब हमने इस रो में देखिए, फर्स्ट स्टिच को तो स्लिप कर लेंगे, अब इसे हमने स्लिप किया था लास्ट टाइम, इसे हमने इस बार सीधा बुन लेना है। इन दोनों को हमने बुना था, धागा हम आगे लेकर आएंगे, इन दोनों को स्लिप कर लेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस वाले को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये वाले दो जो है इन्हें स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन दोनों को स्लिप कर लेंगे, फिर इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेके आएंगे, इन दोनों को स्लिप करेंगे, फिर इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेके आएंगे, इन दोनों को स्लिप करेंगे, फिर इसे सीधा बुन लेंगे। लास्ट फंदा जो है इसे भी हमने सीधा बुन लेना है। अब टर्न करेंगे और ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है, रो 4। इसको हमने पूरी रो को उल्टा बुन लेना है फ्रेंड्स। तो ये रो हम उल्टी बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 रोज है हमारी, इन्हें हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो कुछ रोज बना के फिर अभी दिखाती हूँ मैं कैसा दिखता है ये पैटर्न बनाने के बाद। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ रोज की बनाई है, बहुत ही प्यारा ये पैटर्न लगता है। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सा ये डबल लुक देता है, तो बहुत ज़्यादा कोजी इफेक्ट देता है, इसी वजह से बहुत अच्छा लगता है ये बच्चों के गारमेंट्स में, पैंट्स वगैरह में, जैकेट्स में, कोट्स में, या आप इसे एज बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं कॉलर के लिए, बॉर्डर के लिए, कफ्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।